प्रदेश भर में बीते एक माह पूर्व स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर अवार्ड दिए जाने थे। ऐसे में इस बार पहली बार पोहरी ब्लॉक के तीनों हॉस्पिटल कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित हुए, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोहरी पहले भी इस अवार्ड से नवाजा जा चुका था, परंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छर्च एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैराट में इस अवार्ड से अछूते रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छर्च एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैराट को पहली बार में ही कायाकल्प अवार्ड दिलवाने में मुख्य भूमिका डॉक्टर दीक्षांत गुधेनिया ने की है। डॉक्टर दीक्षांत गुधेनिया, जो कि वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैराट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छर्च दोनों जगह के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उनके द्वारा दोनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता एवं प्रबंधन की गुणवत्ता का कार्य मानदंडों के अनुरूप देखने का कार्य किया जाता है। सर, पहली बार पोहरी ब्लॉक के तीनों हॉस्पिटलों को कायाकल्प से सम्मानित किया गया है, तो ये कायाकल्प क्या है? कायाकल्प का मतलब होता है अस्पतालों में स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छता तथा संक्रमण को रोकना, स्वच्छता को बनाना तथा संक्रमण को रोकना, रोगियों के उपचार के अनुभव को अच्छा करना और बाकी के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, ये कायाकल्प के मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो इसका एक कायाकल्प से जो सम्मानित हुए हैं पोहरी हॉस्पिटल, चर्च और बैराट, तो इसका श्रेय किसको जाता है, क्या कुछ अहम भूमिका किसकी रही? इसका श्रेय हमारे समस्त संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को जाता है, उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा कार्य किए गए हैं, जिसकी बदौलत हमें यह कायाकल्प अवार्ड मिला है। इस हेतु हमें बीच बीच में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों, जिले से हमारे CMHO साहब, हमारे DIO साहब तथा हमारे ब्लॉक से BMO साहब का मार्गदर्शन हमें बार बार प्राप्त होता रहा है, जिसका नतीजा है कि हमारी संस्थाएँ कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। धन्यवाद।